Hi guys, this is RJ Palak from Radio City 91.1 और Sony Music Jam 8 और Roposo लेकर आए हैं Roposo Jam Room. पता है क्या? Original music series created by none other than the musical maestro Mr. Pritam और उनके साथ होंगे नए उभरते lyricist, composers, singers और भी बहुत कुछ अपने countries के best singers होने वाले हैं. And you know what? आज हम जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं that is called दिल का कबूतर. इसको गाया है नन अदर देन हमारे देश की मिट्टी से जुड़े हुए सिंगर मिस्टर मामे खान हां जी और साथ में फंकी द कूल द अमेजिंग निकिता गांधी. मतलब ये कॉम्बिनेशन सुन के कितना अमेजिंग लग रहा है ना, मामे खान और निकिता गांधी. एंड ट्रस्ट मी, ये गाना आपके रोंगटे खड़े करने वाला. इट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग. तो फिर क्या हो जाए. Hi, this is Palak from Radio City 91.1 and today Roposo Jam Room released by Sony Music mein mere saath hai one of the most iconic personalities in music, in folk singing and amazing. Like inka gaane YouTube pe kitne sun chuke hum. Mamai Khan Mamani, namaskar, swagatam, kaise hain aap sab? बिल्कुल सही सर. पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका जो लुक है विद साफा एंड चश्मा, तो आपने डिजाइन किया या फिर जब आपको लगा कि अब तो मुझे बहुत पब्लिक अपीयरेंस देनी होती है तो कुछ सोच लिया जाए? देखिए ये जो लुक है एक्चुअली ये इंडी पॉप है. अच्छा. गाना भी इस तरह का है. उड़ दिल्ली का कबूतर लेके पिंजरा, यू नो गाना इस तरह का है, गाने की वाइब इस तरह की है. वैसे ये जो डिजाइन किया है अंजलि चक्रवर्ती ने किया है. अच्छा. एंड या साफा तो एक्चुअली हमारे राजस्थान की शान है. साफा और मूंछ तो उसके बिना तो नहीं सकते. मेरा कोई भी मतलब लाइव शो या वीडियो में साफे नहीं होता. हाँ वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे. डेली लाइफ में साफा नहीं पहन सकते जब एयर पर वगैरह जाते हैं. अच्छा. लाइव शोज जो हमारी जान है वहाँ पर तो साफा. सर दिल का कबूतर फैंटास्टिक गाना आपने और निकिता ने अभी मैं देख रही थी. आग लगा दी. तो एक गाना जब शूटिंग करते हैं तीन चार बार गाते हैं राइट, तो एक में भी आपका मतलब एक्साइटमेंट कम ही नहीं होता. ये गाना ही ऐसा है, गाने की जो वाइब है, जो एनर्जी है, एनर्जेटिक गाना है. हाँ. डांस वाला है, यू नो कैंटी वाला, यू नो जो निकिता का पार्ट आता है दैट्स रियली मूवी का मेरा फेवरेट पार्ट है. जब वो जब चला गया है अपनी सही जगह पर. अभी ज्यादा नहीं उड़ने वाला, वही जगह है उस जगह. नहीं बट एंड वो कबूतर वहां पर बहुत खुश है. कोई कोई अमेजिंग क्रेजी सा किस्सा हुआ है आपकी इसी लाइफ परफॉर्मेंस में? हां होगा एक्चुअली. हम लोग हमारा शो था ये भुवनेश्वर में एंड मेरा बैंड बहुत जीता है तो मैंने मेरे गिटारिस्ट ने 40 मिनट शो किया मैंने मेरे गिटारिस्ट ने. बट आई वाज रियली अमेज्ड कि जो ऑडियंस थी जो स्टूडेंट थे और इनफेक्ट बारिश भी आ रहा था उन लोगों ने हमें विदाउट बैंड 40 मिनट्स कैन यू इमेजिन 40 मिनट्स विदाउट बैंड मी एंड गिटार्स वी प्ले सो एंड उन्होंने क्या हमें वो रेस्पॉन्स दिया, क्या एनर्जी दिया, क्या लव दिया, यू नो. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं मेरा लिए लाइव शो इज लाइक माई लाइफ मेरा लाइफ. बट थैंक यू सो मच मामे खान हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड आपका गाना जो दिल का कबूतर जब रिलीज होगा दुनिया पागल होने वाली है. उड़ दिल्ली का कबूतर लेके पिंजरा, अपना पिंजरा संभाल के रखिए. थैंक यू सो मच. रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे पलक एंड टुडे Roposo Jam Room रिलीज बाय सोनी म्यूजिक में हमारे साथ है एक ऐसी बंदी जिनकी हवेली पे हम जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे रब्ता हो गया उनसे. फीलिंग वेरी काफिराना. वाओ आई लाइक व्हेन दिस इज गोइंग इन आई लाइक इट. बहुत सारे गाने हैं यार शाम के.
Thank you guys, thanks for having me. Aur batao, you look fabulous today. Thank you. You look so amazing. Tell us about your look, like you designed it. So yeah, my look is like, so I mean yeah, I pretty much always Bohemian look, like, yeah, I actually do this a lot, so this is very like definitely a lot of my inputs, because I like, this was a dress that I was the most comfortable with, and I always do this whenever I'm singing something that's fusion-y, thoda banjara, thoda folkish. I have this, I don't know why, I always have this habit of putting a headgear. I've done this with a lot of my songs, if you check them out, the unplugged, the live ones. Yeah, so ये मेरा एक हैबिट है, ये नेकलेस को मैं सिर पर डाल देती हूँ, जैसे निकिता में ह है, तो मुझे लगा कि ये ट्रेडिशन, ये लेगेसी लाइफ में रहना चाहिए, हर चीज थोड़ा अलग करना चाहिए. बिल्कुल. सो आई रियली रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस. हम सुन रहे थे मामे खान के साथ दिल का कबूतर, और इवन मामे जी ने अभी इंटरव्यू में भी बोला कि जब निकिता का पार्ट आता है मेरा तो मतलब दिल हिल जाता है. बिफोर इंटरव्यू और हम करें थोड़ा सा पार्ट पूछे. अरे वाह, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, एंड मैं जब कॉलेज में थी उन फेस्टिवल्स में फेस्टिवल्स अटेंड करती थी, तो आई हैड यू नो वॉच्ड हिम परफॉर्म एज मामे खान, एंड नाउ आई एम हियर परफॉर्मिंग एज यू नो निकिता गांधी कोसी. सो डेफिनेटली लाइक ये ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं मेरे लाइफ में, इट्स रियली स्पेशल. सो आई एम रियली हम्बल. बट आपके प्लस वन की जो लिस्ट है वो एलीट पे एलीट होती जा रही है, लाइक अभी बादशाह से निकली है मैडम, मामे खान पे पहुंची. हाँ, मेरा ये वैरायटी थोड़ा ज़्यादा ही बुफे, मेरा बुफे बहुत ही ब्रॉड है, बहुत यू नो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव बुफे, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ जॉनर्स. बट हाँ, थोड़े लाइन्स आपके लिए. हाँ, दिल का कबूतर लेके पिंजड़ा, ये एक्चुअली मामे खान साहब का लाइन है, तो मैंने उनका लाइन गा लिया क्योंकि उनको मेरा लाइन बहुत पसंद है, तो उनका लाइन बहुत पसंद है. यू जस्ट शॉट द होल थिंग लाइव अनप्लग्ड, इतना अमेजिंग, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ द शूट? एक तो ये गाना जो है दिल का कबूतर, कंपोज बाय शुभमन एना, इट्स सो यूनिक, बहुत अलग है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इसी गाने के लिए सिलेक्ट किया गया, बिकॉज ऐसे बैलेड या यू नो पार्टी सॉन्ग्स, तो ऐसे गाने जो यूजुअल टाइप के होते हैं काफ़ी गाए मैंने, और उनमें तो मज़ा आता ही, लेकिन लाइव में अगर कोई एक अनयूजुअल अरेंजमेंट कॉम्पोजिशन परफॉर्म करने को मिलता है, आई थिंक इट्स अ नॉच अबव, और भी मज़ा आता है. स्पेशली अ सॉन्ग लाइक दिल का कबूतर, इट्स वन ऑफ द सॉन्ग्स जो लाइव में ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड. इट वॉज जस्ट सो मच एनर्जी ऑन सेट ऑन स्टेज, एंड बस मज़े तो आने ही हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, दिखाई देगा कि कितना मज़ा आया हमें. इट्स शॉट ब्यूटीफुली, द सेट लुक्ड अमेजिंग, निकिता तो लगी रही है गॉर्जियस, एंड एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग. हम लोगों ने कितनी बार ये गाना सुना, एंड वी वर लाइक इंस्टेंटली फॉलिंग इन लव विद इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. उड़ दिल का कबूतर लेके पिंजरा, वो पिंजरा गाने के पीछे की सारी कहानी, मस्ती मजा जो हमने इन सिंगर्स के साथ किया. रुपोसो जैम रूम जरूर चेकआउट करिए, और प्लीज ये सारे गाने सुनने के लिए ट्यून इन रहिए रेडियो सिटी 91.1 पर, सोनी म्यूजिक पर, रुपोसो पर, और साथ में सारे फेमस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये गाना सुनने को मिलेगा. सुनते रहिए, देखते रहिए, और असली म्यूजिक इंजॉय करते रहिए. और अगले गाने भी आने वाले हैं, उनको मत भूलना, एक से बढ़कर एक हैं सारे के सारे. रेडियो सिटी.